आज की क्लास में हम एसक्यूएल के अंदर फंक्शंस के बारे में जानेंगे और फंक्शंस से रिलेटेड हमने एक आर्टिकल आप लोगों को कल व्हाट्सएप पे भेजा था और मुझे आशा है कि आप लोगों ने उस आर्टिकल को देखा हो। देखा था सर? तो चलिए एक डेटा इंपोर्ट करते हैं एक्सेल फाइल से। तो सोर्स में मैं यहाँ पे एक्सेल सेलेक्ट करता हूँ, ब्राउज करके अपना फाइल सेलेक्ट करता हूँ, DS11 करके फाइल मैंने बनाया है, देन ओपे, देन नेक्स्ट, और डेस्टिनेशन में SQL क्लाइंट नेटिव क्लाइंट सेलेक्ट करता हूँ, NPM में करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट, C21 को करना है, और DBO C21 के जगह पे मैं यहाँ पे DS नाम का डेटा डॉट DS, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश, सक्सेस है, यहाँ पे क्लोज कर। तो DS करके एक टेबल इसके अंदर स्टोर हो। अब हम आते हैं क्यूरी। तो कल हमने आपको आर्टिकल दिया था एसक्यूएल सर्वर का जो कि आपको पढ़ना, राइट। चलिए उसी आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं। तो HBM के अंदर टेबल्स में जब आते हैं तो रहा DS, तो अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DS और इसको रन करता हूं तो डेटा पूरा आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग फंक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे राइट लेफ्ट रिप्लेस इन सब फॉर्मूले के बारे में। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी में जो पहला दिख रहा है CA वो क्या है, मेरा कंट्री, कंट्री कोड, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा में कंट्री कोड भी आए, ठीक है। क्या है? कंट्री कोड भी है। तो अगर मैंने यहां पे लिखा लेफ्ट, लेफ्ट के अंदर हमने यहां पे ऑर्डर आईडी स्क्वायर ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर आईडी के अंदर में स्पेस, ऑर्डर आईडी, और यहां पे हमने कॉमा बोला कि 2 डिजिट। तो जैसे एक्सेल में लेफ्ट फॉर्मूला काम करता है ऐसे आप देखेंगे कि ये सिर्फ 2 डिजिट को अलग कर दे। किसको अलग कर दिया? सिर्फ 2 डिजिट को। और एक मैं स्टार लगा के कॉमा कर दूं तो आपका डेटा भी आएगा और साथ में 2 डिजिट अलग होके भी आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ US का डेटा चाहिए। किसका डेटा चाहिए? US का डेटा चाहिए। तो कैसे ले? तो यहां पे हम लगाएंगे काउंट वेयर, वेयर में हम बोलेंगे दो चीजें हैं कि मैं यहां पे ऑर्डर आईडी के इक्वल टू ऑर्डर आईडी लाइक लाइक, और इनवर्ट सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हम देंगे स्क्वायर, सॉरी यहां पे यूएस यूएस, और फिर यहां पे हम दे देंगे अपना परसेंटेज। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे सिर्फ यूएस का ही आता है। तो क्या ए फॉर्मूला लगा सकते हैं हम? तो अगर हम यहाँ पे ए फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएं, लाइक कमांड ना लगाएं, कि दैट इज इक्वल टू यूएस, तो क्या वर्क करेगा? चलिए देखते हैं। बिल्कुल वर्क करेगा। तो यहां पे लाइक कमांड लगा दें या लगा दें आप, ये क्लियर है?
तो जैसे राइट का फॉर्मूला वर्क करता है, ऐसे ही आपका लेफ्ट का फॉर्मूला भी वर्क करता है। अब जैसे लेफ्ट के फॉर्मूले की बात करें तो मुझे यहां पे अपना ऑर्डर आईडी निकालना, क्योंकि राइट से हमारा 6 डिजिट है, ठीक है। तो लेफ्ट फॉर्मूला समझ गए, अब राइट फॉर्मूला समझते हैं कि राइट फॉर्मूला क्या करता है। तो कॉमा इसी में राइट का फॉर्मूला देते हैं, और राइट फॉर्मूले में हम सेम अपना ऑर्डर इसको हम नीचे ये भी मार सकते हैं ना, एंटर मार के आप अच्छा से लिख सकते हैं, राइट ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर स्पेस आईडी कॉमा, हमने बोला 6 डिजिट, ठीक है। रन, तो ये लास्ट में देखेंगे आपके साथ 6 डिजिट, बट यहाँ पे मैंने एज ए आईडी नहीं किया, एज ए यहाँ पे आईडी, अगर आईडी का कर देते हैं तो उसका नाम आईडी होगा, नो कॉलम में जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे आईडी है, ठीक है। क्लियर सर? तो राइट और लेफ्ट समझिए। अब यहां पे समझते हैं ज्वाइन। अच्छा, इसमें मीट फॉर्मूला नहीं है ना, मीट फॉर्मूला होना चाहिए, मीट फॉर्मूला होना चाहिए। मिड फॉर्मूला है, मिड फॉर्मूला यहाँ पे होता है सब स्ट्रिंग। सब जैसे मुझे मान लीजिए इसमें से ऑर्डर आईडी से क्या निकालना है, मुझे ईयर निकालना है, ठीक है। ऑर्डर आईडी से क्या निकालना है, ईयर निकालना। तो यहाँ पे हम फॉर्मा लगाएंगे सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग के अंदर में देंगे यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी। अब यहाँ पे बताना होगा कि आपका मिड स्टार्ट कहाँ से, तो चौथे नंबर से 4 करेक्टर को ले लो एज ए ईयर, वाई आर कर देते हैं, वाई रन कीजिए। यहां देखेंगे आप 2011, 12, 13, 14 अलग तरह। तो ये जो लेफ्ट फॉर्मूला लेफ्ट से निकालता है, राइट फॉर्मूला राइट से निकालता है, और सब स्ट्रिंग फॉर्मूला क्या करता है कि 20 से निकालता है। तो यहां पे आप बताइए कि आप कहां से कितना कैरेक्टर लेना चाहते, तो सब स्ट्रिंग में आपको ये बताना, ठीक है। क्लियर है कोई डाउट उसमें? अब मान लीजिए कि मुझे यहां पे जस्ट चेक करना है, क्या चेक करना है कि ए आपके सामने दिख रहा है कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी दिख रहा है। अब कस्टमर आईडी में यहां, सॉरी, यहां पे प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है, प्रोडक्ट आईडी में यहां पे ऑफ दिख रहा है, ओ एफ ऑफ। तो जो ऑफ है वो डिस्काउंटेड है, और जो ऑफ नहीं है वो डिस्काउंटेड नहीं है। तो मुझे जस्ट चेकआउट करना है कि क्या ये डिस्काउंटेड है या डिस्काउंटेड नहीं, ठीक है। तो यहां पे हम देते हैं, क्या देते हैं, पैन इंडेक्स, एक आता है पैन इंडेक्स। पैन इंडेक्स में मुझे क्या करना है, ये आपको दे दीजिए कि मैंने यहां पे बोला कि यहां पे स्टार्टिंग में ऑफ होना चाहिए, ऑफ, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, किसके अंदर, तो हमें देना है स्क्वायर बाय के अंदर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, और यहां पे हम लिखते हैं एज ए डीएस, डिस्काउंट। रन करते हैं,
रन करते हैं और देखिएगा रिजल्ट आपका किसमें आएगा, नंबर्स में, जीरो और वन के फॉर्म में। जिसमें नहीं है उसमें वन आया और जिसमें है वो जीरो आया। ठीक है, मुझे तो रिजल्ट चाहिए यस एंड नो। क्या चाहिए? यस एंड नो। तो जैसे एक्सेल में फॉर्मूला होता है ऐसे यहां होता है आई आई एफ। क्या होता है? आई आई एफ। अब यहां पे मैंने बोला कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तो यहां यस शो करे। क्या शो करेगा? यस, अदरवाइज नो शो करे एज ए डी एस। रन कीजिए, ये देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है आपको यहां पे, यस एंड नो दिख गया। तो आई आई एफ इसे एक्सेल में इफ फॉर्मूला होता है ऐसे यहां पे आई आई एफ। और जैसे एक्सेल में हम कॉन्केट कर सकते हैं, कई सारे फॉर्मूले को मैंने मर्ज कर सकते हैं, ऐसे यहां भी मर्ज कई सारे फॉर्मूले को मर्ज कर सकते हैं। राइट सर? अब यहां पे अगर मान लीजिए कि दो टेक्स को मुझे प्लस करना हो तो कैसे करें? जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा कंट्री और सिटी जो है ना एक ही जगह पे दिखाए डैश के साथ, तो यहां पे हमने कॉमा किया। अब स्टार में यहां से हटा देता हूं, ठीक है, स्टार में रखता हूँ, कंफ्यूज ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो यहां पे मैंने लिखा कंट्री, कंट्री प्लस डैश प्लस यहां पे हमने कर दिया सिटी, यहां पे इसको एज ए डीएस करना है और यहां करना है एज ए कॉमा कर दीजिए, एज ए तो लगाएंगे ना नीचे, एज ए मैथ एम। ठीक है, देखा कॉन्केट हो गया। तो दो टेक्स्ट को आपस में कॉन्केट करने के लिए हम प्लस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्लस का। सर इसमें ये पैट इंडेक्स और लाइट में क्या डिफरेंस आएगा अगर हम पैट क्या इंडेक्स की जगह लाइट यूज करते हैं? ये पैट इंडेक्स जगह लाइट यूज करते हैं तो क्या डिफरेंस है? तो लाइक यूज करेंगे और नहीं, लाइक यूज तो आप सिर्फ बेयर में करेंगे ना। ओके यहां तो मुझे एक माने स्टेटस शो करना यस एंड नो, तो ये थोड़ी कर पाए, समझे कि नहीं? जी सर, जी सर अच्छा, इसमें एक प्लस की जगह पे कॉनकेट का भी फॉर्मूला, ठीक है, कॉनकेट। तो कॉनकेट, कॉनकेट के अंदर मैं यहां पे कॉलम्स नेम दे सकता हूं, जो भी कॉलम को करना है, ठीक है। इसलिए मुझे ईयर और डीएस को करना है, वाई आर कॉमा डीएस। अब यहां पे एज ए सस्ती करना। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे मुझे लग रहा है एरर आया। क्यों आ रहा है? क्योंकि क्योंकि जो आपका कैलकुलेटेड फील्ड है ना वो आप यहाँ रेफरेंस में नहीं दे सकते। हाँ, कैलकुलेटेड फील्ड के जगह पे पूरा का पूरा फॉर्मूला उसका दे सकते हैं, जैसे कि ए जो यहाँ के वाई आर का फील्ड था ना आपका सर्विसिंग था ना यहाँ पे, इसके जगह पे मुझे वाई आर का फॉर्मूला और डीएस के जगह जो हमारा डीएस है उसके जगह पे मुझे डीएस का फॉर्मूला रख सकता हूँ। ठीक है सर? अब यहां पे देखिए कॉनकेट, समझे? यहां पे कॉनकेट फॉर्मूला दोनों को ज्वाइन करता है। और दूसरा चीज सीखा कि आप किस क्यूरी के अंदर जनरेट की गई कैलकुलेटर कॉलम को यहां यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन इसको वेरिएबल में बना के हम यूज कर सकते हैं, जो कि आगे हम बताएं। ओके समझे?
अब बात करते हैं स्टफ स्टफ फॉर्मूला क्या है। एक स्टफ फॉर्मूला है और एक रिप्लेस फॉर्मूला, दो फॉर्मूले जा रहे हैं, एक स्टफ फॉर्मूला है और एक रिप्लेस फॉर्मूला। अब जैसे मुझे क्या करना है कि एक और इमेजरी पे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीएसएस। ठीक है, अब हम रिप्लेस की, सबसे पहले हम रिप्लेस की बात करते हैं। तो आप इसमें हमारे पास डेटा आप देख पा रहे हैं, इस डेटा में ये आपका कस्टमर आईडी जो इसमें डैश लगा है, मुझे कस्टमर आईडी के अंदर में डैश जो लगा है उस डैश को स्लैश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जहां मुझे डेटा जान लेना है वहां पे स्लैश होना चाहिए कस्टमर आईडी। ठीक है, तो यहां पे हम कॉमा देते हैं और लिखते हैं रिप्लेस, रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर हमने यहां पे रिप्लेस के अंदर हमने बोला कस्टमर आईडी। और कॉमा हमने बोला कि यहां पे सिंगल कोट में कि डैश को क्या कर दो, तो स्लैश कर दो, डैश को क्या कर दो स्लैश कर दो एज ए सीआईडी। अब इसको रन कीजिए, यहां देखिए स्लैश हो गया। तो रिप्लेस फॉर्मूला क्या किया कि ओवरऑल जितने भी डैश होंगे सबको स्लैश कर दे एक साथ, सबको क्या कर देगा स्लैश कर दे। लेकिन मुझे यहां पे क्या करने हैं कि दो डिजिट के बाद तीसरे डिजिट या चौथे डिजिट, अगर डिजिट के हिसाब से करने, मुझे नहीं पता कि इसमें डैश हो सकता है या स्लैश हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर इतना पता है कि तीसरा लेटर, तो वहां पे हम रिप्लेस वर्क नहीं करेगा हमारा, तो यहां पे यूज करेंगे स्टफ। एस्टफ फॉर्मूले में हम यहां पे कस्टमर आईडी लेते हैं और यहां पे हमने बोला कि तीसरे लेटर से पहला लेटर, तो क्या करना है, तो हमने बोला कि इसको जो है इक्वल करना एज ए सीसी आई टी। रन कीजिए इसको, ना देखिए इक्वल हो गया। तो रिप्लेस फॉर्मूला और एस्टफ फॉर्मूला क्या क्या करता है, रिप्लेस करता है, रिप्लेस फॉर्मूला वो चेक कर लेता है कि जो करेक्टर है उस जो करेक्टर जितना जगह पे है सारे जगह पे उसको रिप्लेस कर देगा, लेकिन स्टफ फॉर्मूला क्या करता है सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को करता है वॉच, बाकी को नहीं। ठीक है, हेलो हाँ बोलिए सुनो। हेलो सर, ये प्लेस वाले के सामने आपने वो स्लैश लगाया, कॉमा लगाया, नीचे वाले में लगाया, स्पेसिफिक रीजन देखिए प्लेस से आगे लगाया यहाँ, ना? यहाँ देखिए यहाँ क्या है कि कस्टमर आईडी में डैश को स्लैश कर देना, राइट। और यहाँ यस मुझे क्या करना है कि मुझे तीसरे लेटर से एक लेटर को इक्वल कर देना है, और यहाँ नहीं इक्वल नहीं की जगह इसमें अगर आप स्टार्टिंग डैश स्लैश चाहिए तो स्लैश लगा दीजिए, तो डिमांड आपके रो ऊपर के नहीं स्टार्ट होगी। रो के स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो रिप्लेस से पहले जो रहा है। क्या लगाई कॉमा, इसकी बात कर रहे हैं, यस 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 कॉमा जो लगा। तो एक कॉमा यहाँ नहीं लगाया था ना, ऊपर इसे नीचे लगा दिया, लंबा कॉमा लगा था, अच्छा ठीक है सर, वो ऐसा लग रहा यहाँ था यहाँ जैसे वो कॉमा लगाया। पढ़ देखिए रहा हूँ। क्या एक कॉलम्स है, तो जैसे एक कॉलम खत्म हुआ
तो मैं यहां कॉमा ना लगा के यहां लगा देता, लेकिन यहां ना लगा के नीचे, काफी बड़ा था इसे नीचे लगा दिया। जहां कॉमा का मतलब हुआ कि दूसरा कॉलम, ठीक सर। जितने कॉलम यहां बने हैं उतने कॉमा लग रहे हैं यहां पे आपके। अच्छा ओके सर, ओके सर। ये बताइए, आपने कभी आज गौर नहीं किया, शायद किसी ने पूछा नहीं, कि पहले मैं सिंगल सिंगल चीजें बताता था, आज मैं एक साथ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब आपको एलिजिबल होना पड़ेगा लंबी लंबी क्यूरी लिखने के, क्योंकि ऑफिस के अंदर में एक लाइन दो लाइन की क्यूरी नहीं होगी, ऑफिस में लंबी लंबी क्यूरी हो, तो आपको अपनी क्यूरी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे स्पेस, कहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, और आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, राइट। अब हम बात करते हैं कि मुझे कुछ सर्च करना है। जैसे मेरे पास जो ऑर्डर आईडी है उसमें से मान लीजिए, जैसे यहाँ पे आते हैं, ये डेटा है हमारे, राइट। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे रिपोर्ट है, आप देख पा रहे हैं। अब मुझे ढूंढना है कि कोई चीज के अंदर में है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि कई जगहों पे पैड लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये फोन है, फोन दिख रहा है ना, तो मुझे देखना है कि भाई फोन शब्द इसमें है या नहीं है, प्रोडक्ट नेम के अंदर फोन शब्द है या नहीं। ठीक है, यहां पे कॉमा किया और इसके लिए लिखते हैं कैर इंडेक्स। क्या लिखते हैं, जैसे एक्सेल में सर्च होता है ना, फाइंड होता है, ऐसे होता है कैर इंडेक्स। कैर इंडेक्स, क्या इंडेक्स के अंदर में सबसे पहले मुझे ढूंढना है, बदले हैं क्या ढूंढना, तो मुझे ढूंढना है फोन, PHON फोन, और किसके अंदर ढूंढना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में प्रोडक्ट नेम के अंदर, प्रोडक्ट एज ए PS का रूप संस्करण करते हैं, ये सब पे जीरो आया क्यों? अब यहां पे मैं इसको स्मॉल लेटर में करता हूं, अब नंबर आया क्यों आया? अगर हम यहां पे कैपिटल लेटर में लिखा तो नहीं आया था ना सर, तो नहीं आया है, इसमें दिक्कत नहीं है, कैपिटल स्मॉल से कोई दिक्कत नहीं है, तो कैपिटल नंबर स्मॉल नंबर आ सकता था। ये 51 क्या दिया, 51 दिया उस फोन का लोकेशन, इसका लोकेशन उस फोन का लोकेशन दिया इसने, ठीक है सर, कि फोन शब्द है कहां। अब आपको नहीं दिख रहा तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे प्रोडक्ट नेम लुक यहां पे शो कर देता हूं, नया प्रोडक्ट ने, तो जिसमें फोन वर्ड है, जैसे यहां देखिए 61 है ना, तो इसके अंदर देखिए है, फोन लंबा है थोड़ा सा, फोन है इसमें, है ना फोन। तो ऐसे कोई शब्द को किसी एक वैल्यू के अंदर ढूंढने के लिए क्या इंडेक्स का काम, उसके अलावा लेन फॉर्मूला 10 क्या दिखाता है, लेंथ दिखाता है, लेंथ का एक और फॉर्मूला आता है डेटा लेंथ, वो भी लेंथ दिखाता है, उसके बाद आर ट्रीम है, अगर फालतू स्पेस है तो फालतू स्पेस को रिमूव करते हैं, करता है, ठीक है, एल ट्रीम है तो लेफ्ट से जो ट्रीम है फालतू स्पेस को रिमूव करेगा, लेफ्ट से राइट से, तो छोटे मोटे फॉर्मूले तो आप खुद भी देख सकते हो। ओके, समझ आया आप लोगों को? तो
तो हमने दो कैटेगरी फॉर्मूला कवर कर लिया, डिस्टिंक्ट फंक्शंस एंड न्यूमेरिकल फंक्शंस। अब उसके बाद डेट एंड टाइम फंक्शंस है और छोटे मोटे कुछ फंक्शंस है, वो हम आगे कल कलेक्ट करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आज काफी ज्यादा हो गया लग रहा है। क्या सर? इसकी कीजिए प्रैक्टिस।